मेरे सारे बीएड वर्सेस बीटीसी के साथियों और खास तौर पे मेरे जितने बीएड धारक साथी हैं, फाइनली बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और जिस उम्मीद से जितने बीएड धारक इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि आखिरकार बीएड वालों के लिए कब कुछ ऐसा खास होगा, कब कुछ ऐसा खुशखबरी आएगा जिससे बीएड धारक के अंदर राहत मिलेगी, तो फाइनली ये खुशखबरी आ चुकी है। और जितने मेरे बीएड धारक है, जो लोग ऑलरेडी चयनित है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा है। तो चलिए मैं क्या करके सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। और एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे जितने साथी हैं, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कल एक जो वीडियो आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि एडवोकेट जो वकील हैं, सीनियर एडवोकेट, उनके साथ आने वाले हैं। तो कल का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, खासतौर पर बीएड वर्सेस बीटीसी और एनआईओएस डीएड मामले को लेकर, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। आप लोग को पता है कि यूपी का 69,000 शिक्षक भर्ती, मैं बता दूं बिहार का छठा चरण का जो बीएड धारक हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। और जहां जहां बीएड चयनित हो चुके हैं, जहां ऑलरेडी जहां जॉब कर रहे थे, आप लोग को पता है कि 11 अगस्त 2023 के जैसे ही जजमेंट आता है उसके बाद से तहलका समझ जाता है कि जो नियम है, ये जो जजमेंट आया है, वो रेट्रोस्पेक्टिव होंगे या फिर प्रोस्पेक्टिव होंगे। और इसी को लेकर स्टूडेंट लोग हैं जो लगातार परेशान है, क्योंकि 28/6/2018 को गजट पास हुआ था, और ऐसे में जो लोग चयनित लोग हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, उन लोग के भी साथ परेशानियां हो रहे थे, वो लोग भी चिंतित थे। पर एक मैं खबर आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि बिहार से रिलेटेड है। बिहार का सरकार नीतीश कुमार जी को, जो गवर्नमेंट है बिहार का, उनको पूरा भरोसा है हाईकोर्ट पे कि बीएड के पक्ष में फैसला देगा। अब इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं, बिहार सरकार बीएड के पक्ष में है, क्योंकि जब भर्ती हो रहा था उस टाइम भी पक्ष में थे, और अभी जब मैटर चल रहा है तब भी पक्ष में, क्योंकि ये ऑलरेडी चयनित लोग हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, और इनको हटाना मैं बोला था कि इम्पॉसिबल वाला बात है, और सरकार पक्ष में उतरा हुआ है, और हाईकोर्ट भी बीएड के पक्ष में ही फैसला देने वाला है, तो उसका सुनवाई होने वाले हैं। और ये चीजें आप लोग देखेंगे बहुत सारे सोशल मीडिया पर चल भी रहे हैं, और ये सच है। जो बिहार गवर्नमेंट है वो उम्मीद लगाया है हाईकोर्ट से, पटना हाईकोर्ट से, कि बीएड के पक्ष में फैसला आएंगे, और बीएड को शामिल को लेकर बिहार सरकार पक्ष में है। अब जिस तरह से बिहार में पक्ष में है सरकार, इसी तरह से आप देख रहे होंगे सारे जगह, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे कहीं हो, सरकार एक होता है कि तन का सामने खड़ा है कि बीएड को हटाया नहीं जाए, क्योंकि ये गजट के मुताबिक, नोटिफिकेशन के मुताबिक से शामिल हुए थे, और वो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको हटाना इम्पॉसिबल हो जाएंगे। और ये बात एकता रहना चाहिए, जब तक एकता रहेगा सारे बीएड धारक के बीच में, तब तक आपको कोई भी नहीं हिला पाएगा। जितने भी जॉब कर रहे हैं, अपना जितने भी नियोजित ऑलरेडी हैं, जितने बीएड धारक, उन सभी में एकता रहना चाहिए, और सरकार तो आपके पक्ष में है ही है, कोर्ट भी उसके पक्ष में फैसला देगी। तो एक मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जितने भी स्टूडेंट हैं, इसी तरह से आप लोग अपने एकता को बनाकर रखिएगा। बीएड को किसी का हिम्मत नहीं है, जो लोग नियोजित बीएड हैं, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कि उनको हटा दे कोई, चाहे यूपी का 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे तो मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, कहीं का हो, अन्य राज्य का मैं बात कर रहा हूं। और कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं एनआईएस डीएड को लेकर, बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर, एडवोकेट सर के साथ। तो जितने स्टूडेंट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा, जैसे ही वीडियो आएगा आप लोग को, जो लोग सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे उन तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत